जालौर जिला कांग्रेस कोविड हेल्प टीम ने कोरोना मरीजों को 50 मेडिसिन किट व फ्रूट नारियल और मास्क बांटे। भीनमाल में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था एवं मरीजों का हालचाल पूछने निकले महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक श्रवण सिंह राठौर और कोविड हेल्प टीम के प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कोविड हेल्प टीम के कोऑर्डिनेटर श्रवण सिंह राठौर और पूर्व पार्षद पुखराज विश्नोई के नेतृत्व में कांग्रेस हेल्प टीम की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए 50 मेडिसिन किट उपलब्ध कराए। यहां भर्ती कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को फ्रूट्स और नारियल के पैकेट तैयार करके बांटे गए। अस्पताल के साथ ही शहर में विभिन्न जगहों पर कोरोना जागरूकता के तहत 1000 मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए गए। जिला कांग्रेस कोविड हेल्प टीम के कोऑर्डिनेटर एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति भीनमाल के संयोजक श्रवण सिंह राठौर ने शुक्रवार सवेरे शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी MM जांगिड़, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश देवासी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश विश्नोई के साथ कोविड केयर सेंटर का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रत्येक मरीज को 5-5 केले, 2 सेब और 1 पानी वाले नारियल का पैकेट तैयार करके सौंपे। श्रवण सिंह राठौर ने बताया कि कोविड वार्ड में भर्ती कांग्रेस के पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं थोबाऊ के निवासी ताताराम भील से मिले। ताताराम भील ने बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आभार व्यक्त किया। खबर भारतवर्ष के लिए भीनमाल जालौर राजस्थान से विक्रम सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।